तो दोस्तों, पहले पार्ट में हमने देखा था जनरल डॉक्स बहुत सारे हंटर्स को लेकर सिल्वी को ढूंढने जा रहे थे, पर ये कहना कि वे सिल्वी को ही ढूंढने जा रहे थे ये थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि सभी हंटर्स अपने साथ बहुत सारे रिसेप्ट रिमोट भी लेकर जा रहे थे। वहीं क्रेडिट सीन में हमने देखा था सिल्वी किसी ब्रांच टाइमलाइन में आती है और मैकडोनाल्ड में जाकर सब कुछ ट्राई करने का ऑर्डर देती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं सभी को एक पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सीक्रेट टाइमलाइन वो है जहाँ लोग रहते थे, जिसे हिंदी में शाश्वत समय रेखा भी बोला गया है। वहीं सीक्रेट टाइमलाइन से निकलने वाली शाखाओं या कहें रेखाओं को तो उसे ब्रांच टाइमलाइन बोला जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक पहले एपिसोड और लोकी के पहले सीजन को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, ताकि कहानी के इस एपिसोड को समझने में आपको आसानी हो। तो चलिए आप सीजन 2 के सेकंड एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं जस्ट अप फॉर मूवीज। दोस्तों, एपिसोड शुरू होती है लोकी और मोबियस से, जो सिल्वी को ढूंढते हुए 1977 के सेक्रेट टाइमलाइन में आता है, वो भी लंदन में, क्योंकि हंटर X5 के टेम्पेट का लास्ट लोकेशन यही था, वो भी डेड होने से पहले। पर लोकी बोलता है सिल्वी यहाँ नहीं छुप सकती, क्योंकि ना तो वहाँ कोई जंग हो रही थी और ना ही वहाँ कोई प्रलय आने वाला था, तो सिल्वी ऐसे शांत जगहों पर नहीं छुपेगी। पर फिर भी मोबियस एक बार कंफर्म करना चाहता था। इसके बाद वे दोनों एक पार्टी में जाते हैं जहाँ जेनिक मूवी का प्रीमियर होने वाला था, जिसका हीरो कोई और नहीं X5 था, और यहाँ उसका नाम ब्रैड वोल्फ है। ये देखकर अब दोनों X5 से भी मिलते हैं और इसी से यहाँ होने का रीजन पूछने लगते हैं। तो X5 भी बिना कुछ बताए दोनों को बातों में उलझा कर वहाँ से भागने लगता है, इसलिए मोबियस और लोकी दोनों ही उसका पीछा करने लगते हैं। कुछ देर पीछा करने के बाद लोकी अपनी जादू का इस्तेमाल करके फाइनली वो X5 को भी पकड़ लेता है। इसके बाद सभी X5 को TVA में लाते हैं, जहाँ लाने के बाद B-15 टेम्पेट के बारे में पूछती है, क्योंकि उसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई थी। पर X5 ज्यादा कुछ नहीं बताता, इसलिए लोकी और मोबियस ओबी के पास आते हैं उस टेम्पेट को दिखाने के लिए। पर ओबी किसी और काम में बिजी था, वो भी टेम्पोरल रूम के लिए एक डिवाइस बनाने में, ताकि टेम्पोरल रूम नए ब्रांचेस का भी भार उठा सके। जब ओबी टेम्पेट देखता है तो बोलता है वो उसे चेक कर सकता है, पर साथ में ये भी बोलता है क्या टेम्पोरल रूम के डिवाइस पर काम करने से ज्यादा जरूरी है टेम्पेट चेक करना। ये सुनकर लोकी और मोबियस भी उसे अपना काम करने बोलते हैं। बाद में ओबी भी टीवी का एक गाइड बुक देता है, जिसमें टेम्पेट के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। इधर कैसे भी रावोना के टेम्पेट पर लगातार नजर रखे हुए था, पर उसे भी कोई जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि रावोना ने अपने टेम्पेट से सारे डेटा को मिटा दिया था। पर कैसे को ये जरूर पता चल जाता है कि रावोना को आखिरी मैसेज भेजने वाला कौन है, तो पता चलता है वो मिस मिनट थी, जो रावोना का साथ भी दे रही थी। इसलिए अब कैसी और B-15 ये बात आकर लोकी और मोबियस को भी बताते हैं, जो उसी गाइड बुक के जरिए टेम्पेट को जानने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर जब लोकी कैसी की बात सुनता है तो वो भी बताता है जब वो पास्ट में किया था तो उसने भी रावोना और हीगो रिमेंस की बातें सुनी थी, जिसे सुनने में लग रहा था दोनों पार्टनर्स हैं। इसलिए अब मोबियस रावोना और मिशनर की लोकेशन पूछता है, तो पता चलता है उस पर खोजबीन जारी है। जैसे ही कुछ पता चलेगा कैसी उन्हें बता देगा। बाद में कैसे की नज़र टेम्पेट पर भी जाती है, जिसे दोनों चेक करने में लगे हुए थे, क्योंकि X5 ने बोला था वो टेम्पेट TVA की ट्रैकिंग डिवाइस को ब्लॉक करता है। पर कैसे बोलता है वो टेम्पेट क्या करता है ये तो उसे नहीं मालूम, पर वो ट्रैकर्स को तो बिल्कुल ही ब्लॉक नहीं करता। इसके बाद वो टेम्पेट को भी अपने पास ही रख लेता है उसे देखने के लिए, क्योंकि कैसे ने TVA की गाइड बुक को अच्छी तरह से पढ़ चुका था। वही मोबियस और लोकी को जब पता चलता है X5 ने उनसे झूठ बोला है तो उन्हें गुस्सा आ जाता है, इसलिए तीनों X5 के पास जाने लगते हैं उससे पूछताछ करने के लिए। जाने से पहले मोबियस सभी को बताता है कोई गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि X5 सभी को गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा। इसके बाद सभी X5 के पास जाकर लोकी सिर्फ एक ही सवाल करता है कि आखिर X5 ने टेम्पेट के साथ क्या किया है, पर X5 फिर से झूठ बोल देता है और लोकी को उसके पिछली जिंदगी के बारे में बताकर उसे गुस्सा भी दिलाने लगता है। पर यह सुनने के बाद भी लोकी खुद को शांत रखता है और उसके पास जाकर इस बार सिल्वी के बारे में पूछता है, पर X5 अब भी कोई जवाब नहीं देता। तो अब मोबियस भी लोकी को शांत कर उसे पीछे कर देता है और खुद X5 को सवाल का जवाब देने बोलता है। पर अब X5 मोबियस को उसके टाइमलाइन की जिंदगी के बारे में पूछकर उसे गुस्सा दिलाने लगता है, जिससे मोबियस तो गुस्सा हो जाता है और X5 को थप्पड़ मार देता है। ये देखकर तो लोकी मोबियस को शांत कर उसे बाहर लाता है
और फिर दोनों बात करते हुए अनजाने में पीवीए के कैंटीन में चले जाते हैं। इसलिए अब दोनों ही वहाँ से की लाइम नाम की पाई खाने बैठ जाते हैं। यहाँ पर शांत होकर मूवीज भी बताता है वो गुस्सा हो गया था, तो वो की बताता है ऐसा होता है क्योंकि उसे भी जब अपने भाई और पिता पर गुस्सा आया था तो वो पृथ्वी जाकर पूरे न्यूयॉर्क शहर को ही बंदी बना लिया था और माइंड स्टोन से टोनी को भी मारने की कोशिश की थी तो उसे धक्का दे दिया। दोस्तों अगर आप जानते हैं ये किस मूवी की बात हो रही थी तो कमेंट कर जरूर बताना। इसके बाद अब लोकी भी मोबियस से पूछता है कि आप वो नहीं जानना चाहता कि सेक्रेट टाइमलाइन में उसकी कैसे जिंदगी थी, तो मोबियस भी जानने से इनकार कर देता है क्योंकि वो अब मोबियस की लाइफ नहीं थी, उसकी लाइफ थी तो अब सिर्फ टीवीए में और टीवीए में वो खुश है। इसके बाद अब दोनों एक्स फाइव के बारे में बात करने लगते हैं और किसी तरह से फिल्मी के बारे में पूछताछ करने की सोचने लगते हैं क्योंकि उन्हें यकीन था एक्स फाइव सिल्वी से मिला होगा पर उसने किसी को नहीं बताया और अपने एक्टर वाली लाइफ टाइमलाइन पर ही जीने लगा। बस उन्हें किसी भी तरह से एक्स फाइव से कबूलवाना था सिल्वी कहाँ है। फिर क्या था, लोकी और मोबियस फिर से एक्स फाइव के पास आते हैं पर इस बार मोबियस किसी तरह की मशीन लेकर आया था जिसे वो एक्स फाइव को टॉर्चर करने में इस्तेमाल करने वाले थे। लेकिन तभी लोकी दिखता है मोबियस कंट्रोलर लाना भूल गया था, इसलिए अब मोबियस कंट्रोलर लाने के लिए जैसे ही बाहर जाता है लोकी अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है ताकि अब वो अपने तरीके से एक्स फाइव से पूछताछ करे। पर एक्स फाइव कोई भी रिएक्ट नहीं करता क्योंकि वो जानता था कंट्रोलर लोकी के पास नहीं है और ना ही लोकी मशीन को चलाना जानता था। पर तभी लोकी वहाँ पर कंट्रोलर निकाल लेता है और तो और मशीन को भी स्टार्ट कर देता है। ये देखकर अब एक्स फाइव थोड़ा डरने लगता है और मोबियस को वहाँ बुलाना शुरू कर देता है पर मोबियस अंदर नहीं आ सकता था क्योंकि अंदर से लोकी लॉक किए हुए था। इसके बाद अब लोकी कंट्रोलर का रैंडम बटन दबाने लगता है क्योंकि उसे नहीं पता था कौन से बटन क्या काम करते थे, इसलिए एक दो बार तो एक्स फाइव बच गया पर अब वो किसी क्यूब में फंस गया था। इसके बाद लोकी जैसे जैसे एक बटन दबाता क्यूब छोटा हुए चला जाता। वही कुछ देर बाद जब उस क्यूब में एक्स फाइव की हालत खराब होने लगती है वो सब कुछ बताने को तैयार हो जाता है। ये सुनकर अब लोकी भी उसे जल्दी से बाहर निकाल देता है। इसके बाद देखते हैं ये बात जानकर मोबियस भी अंदर आ जाता है। तभी पता चलता है लोकी और मोबियस का ये प्लान था एक्स फाइव से उकलवाने का, इसलिए अब दोनों एक्स फाइव को सिल्वी के पास ले जाने बोलते हैं। आगे ओबी भी अपनी मशीन बनाकर टेम्पोरल रूम में आकर रूम को खोलने लगता है। तभी टाइमलाइन को दिखाया जाता है जो ओवरलोड होने की वजह से उसकी हालात बहुत ही खराब हो चुकी थी। लेकिन ओबी ब्लास्ट डोर को खोलने के लिए जैसे ही पासवर्ड को डालता है उसे डिनाइड कर दिया जाता है। ये देखकर तो अब ओबी भी डरने लगता है। कुछ देर बाद वहाँ पर कैसे भी B-15 के साथ आता है। यहाँ पर आने के बाद कैसी को पता चलता है वो भी ही ऑरोबोरस है जिसने टीवीए की गाइडलाइन बुक को लिखी थी, इसलिए अब कैसी ओबी से ऑटोग्राफ मांगने लगता है क्योंकि कैसी ऑरोबोरस का बहुत ही बड़ा फैन था और इसी वजह से उसने टीवीए की गाइडलाइन बुक को भी पूरी तरह से रट्टा मार लिया था और यही वजह थी कि कैसी को टेम्पेट के बारे में सब कुछ पता था। बाद में यहाँ पर ओबी दोनों को बताता है वे लोग मरने वाले हैं क्योंकि ब्लास्ट डोर खुल नहीं रहे थे और अब उस डोर को सिर्फ उन्हें डिजाइन करने वाला ही खोल सकता था, वो भी अपने लाइफ स्कैन से जो था ही हू रिमेंस। पर अब तो वो भी मर चुका था, इसलिए अब उन्हें जो भी करना था जल्दी करना था क्योंकि टाइमलाइन में ब्रांचेज बढ़ने की वजह से टेम्पोरल रूम भी फटने वाला था। इधर अब एक्स फाइव भी दोनों को 1982 में ब्रुक्सटन शहर में लाता है, वो भी ब्रांच टाइमलाइन में। यहाँ पर दोनों को लाने के बाद एक्स फाइव वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसका कहना था वो सिल्वी के सामने नहीं जाना चाहता है, इसलिए लोकी अकेले ही अंदर चला जाता है। तभी वो देखता है सिल्वी मैकडोनाल्ड के कॉफी शॉप में काम कर रही थी। बाद में वहाँ पर एक्स फाइव और मोबियस भी आ जाते हैं जहाँ एक्स फाइव बहुत ही डर भी रहा था। इसके बाद लोकी जाकर सिल्वी से मिलता है और कुछ देर बात करने के लिए उसे बाहर भी आने बोलता है। इसके बाद जब सिल्वी बाहर आती है तो लोकी भी अपना वहाँ आने की वजह बताता है कि जब वो टीवीए में था तो वो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में खींचा जा रहा था, लेकिन जब वो फ्यूचर में पहुँचा था तो उसने सिल्वी को देखा था। इसलिए लोकी को वजह जानना था कि सिल्वी वहाँ कैसे पहुँची थी क्योंकि उस वक्त टीवीए भी खतरे में था। लेकिन ये सुनकर सिल्वी कोई भी रिएक्ट नहीं करती क्योंकि उसे लग रहा था अभी फ्यूचर नहीं लिखा गया है तो वो टीवीए में क्या कर रही थी ये उसे नहीं पता। पर लोकी अब भी डर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कहीं ही यू रिमेंस की बात सही ना निकले, इसलिए अब लोकी सिल्वी को साथ देने बोलता है। लेकिन सिल्वी लोकी का साथ देने से बिल्कुल ही मना कर देती है क्योंकि अब उसे टीवीए की कोई परवाह नहीं थी
अभी वो जहाँ है वहाँ वो खुश थी। दूसरी तरफ X5 भी वहाँ से वापस टाइमलाइन में जाने के लिए उतावला हुए जा रहा था। तो मोबियस X5 को थोड़ा शांत रहने बोलता है क्योंकि लोकी और सिल्वी बहुत दिनों बाद मिले थे। लेकिन X5 के लगातार बेचैन होने की वजह से मोबियस भी समझ जाता है दाल में कुछ काला है। इसलिए अब वो X5 को लोकी के पास लाता है और सब कुछ सच सच बताने बोलता है। तो अब फाइनली X5 भी बताता है ये जगह कुछ ही देर में बर्बाद होने वाली है और सब कुछ खत्म होने वाला है। ये सुनने के बाद तो सिल्वी भी X5 के दिमाग को पढ़ने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि जनरल डॉक्स सारे ब्रांचेस को बॉम्ब से उड़ाने वाली है, इंक्लूडिंग उस ब्रांच को भी जहां आर्मी वे लोग थे। तभी टीवी में देखते हैं एक एक करके सारे ब्रांचेस तबाह होते जा रहे थे, इसलिए सिल्वी सभी को उसी जगह पर ले जाती है जहां से जनरल डॉक्स सारे ब्रांचेस को बहुत सारे टाइम डोर में जाकर तबाह किए जा रहे थे और सारे डोर सारे हंटर के टेम्पेट से भी कनेक्टेड थे। तभी उन्हें ध्यान आता है इसी काम के लिए शायद X5 के टेम्पेट को भी मॉडिफाइड किया गया था, इसलिए अब तीनों वहां जाकर सभी से लड़ना शुरू कर देते हैं और सारे मशीन को तबाह भी करने लगते हैं। बाद में सिल्वी और लोकी मिलकर अपनी एनर्जी से वहां पर सब कुछ तबाह भी कर देते हैं। साथ ही जनरल डॉग्स और उनका साथ देने वाले सारे हंटर्स को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जब लोकी और सिल्वी टीवी वापस आते हैं तभी वो दिखते हैं जनरल डॉक्स लगभग सारे ब्रांचेस को ही तबाह कर चुकी थी, जिसका मतलब था लाखों करोड़ों की जान एक ही झटके में चली गई थी। कुछ देर बाद वहाँ पर कैसे देखता है रावणा के टेम्पेट का सिग्नल मिल रहा था। इधर सिल्वी भी ये सब तबाही देखकर वहाँ नहीं रुकती और वापस से चली जाती है। लोकी उसे रोकने की भी कोशिश करता है पर वो नहीं रुकती। तभी देखते हैं सिल्वी वापस उसी ब्रांच टाइमलाइन में रहने लगी थी जहाँ वो काम करती थी। और तभी हमें उसके हाथों में एक टेम्पेट भी दिखता है जो कोई ऐसा वैसा टेम्पेट नहीं, ही हू रिमेंस का टेम्पेट था। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाती है। वैसे दोस्तों लगता है सारे ब्रांचेस तबाह होने के बाद अब भी कुछ ब्रांचेस बच गए थे। तभी तो जिस ब्रांच में सिल्वी थी वो भी बची हुई थी, वही उसके पास ही हू रिमेंस का टेम्पेट भी था, तो वो उससे कुछ बहुत ही खतरनाक चीजें भी कर सकती थी। दोस्तों अब वो क्या कर सकती थी ये तो पता चलेगा हमें अगले एपिसोड में। वैसे आपको बता दो इस एपिसोड में कोई क्रेडिट सीन नहीं थी। तो अब मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। जय हिंद।